हेलो फ्रेंड्स, स्टील लर्निंग में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अब वर्तमान में वो 12 हो गई हैं। तो उनमें जो 4 अनुसूचियाँ जुड़ी हैं, उन चारों को देखते हैं हम। जो 9वीं अनुसूची जुड़ी है वो 1951 में जुड़ी है, पहले संविधान संशोधन में। और उसके बाद जो 10वीं अनुसूची है वो 1985 में जुड़ी है, 52वें संविधान संशोधन में। 11वीं अनुसूची है वो 1992 में जुड़ी है, 73वें संशोधन में। और जो 12वीं अनुसूची है वो 1992 में जुड़ी है, 74वें संशोधन में। तो चलिए अब इनको विस्तार से जानते हैं। पहली अनुसूची है हमारी संघ और राज्य क्षेत्र। संघ मीन्स केंद्र शासित प्रदेश और उसके राज्य क्षेत्र। और सेकंड में आते हैं वेतन भत्ते, और थर्ड में शपथ, फोर्थ में होते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन। टोटल राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें हैं। और पाँच में है अनुसूचित जातियां और अनुसूचित क्षेत्र, ये होते हैं SC के लिए। और छठे में है जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन ST के लिए, ये मोस्टली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में पाई जाती हैं, इस टाइप की जातियां ST। सातवीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन, इसमें बताया गया किसके पास कितनी शक्ति हैं, केंद्र में कितनी शक्ति हैं, राज्य में कितनी शक्ति हैं, तो उसका सारा इसमें विस्तार से उल्लेख किया गया है। उसके बाद है आठवां भाषा, और नौवां है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार, इसमें जमींदारी को ख़त्म करना है और भूमि सुधार प्रथा को लागू करना है। और दसवां है दल बदल, इसमें कोई भी दल बदल सकता है, मीन्स कोई कांग्रेस पार्टी का नेता या कोई भी अध्यक्ष उसमें BJP में जा सकता है, या फिर BJP का कोई आप में आ सकता है, या फिर आप आदमी, मतलब कोई भी किसी भी पार्टी में दल बदल सकता है अपना। इसके बाद है ग्यारहवा है पंचायत, और सबसे लास्ट है बारहवें में है नगर पालिका। वीडियो देखने, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपको जो हमारी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग and take care.